डिब्रूगढ़ में पुणे 10 लाख की ड्रग्स बरामद, एक ड्रग्स व्यवसायी गिरफ्तार। असम के डिब्रूगढ़ शहर में हाल ही में 30 लाख की ड्रग्स मिलने के बाद 10 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की गई। डिब्रूगढ़ पुलिस ने ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कल रात को सुंदरपुर के रहने वाले तुषार ज्योति गोगोई नाम के व्यक्ति के पास से 110 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ड्रग्स के साथ नगद रुपए और आपत्तिजनक वस्तुएं भी जब्त की है। ड्रग्स सेवन के समय एक वीडियो वायरल होने के पश्चात पुलिस हरकत में आते हुए ड्रग्स की घाटी बने घर में छापेमारी करके ड्रग्स माफिया को पकड़ने में सफल रही। पुलिस की छापेमारी के दौरान उपस्थित संवाददाताओं को संवाद संग्रह करने में ड्रग्स व्यवसायी ने विरोध करने के साथ ही हाथापाई पर उतर आया था। उल्लेखनीय रहे कि डिब्रूगढ़ का कालीबाड़ी अंचल पहले ड्रग्स की घाटी था, लेकिन अब सुंदरपुर ड्रग्स की घाटी बनते जा रहा है। नवबारा समाचार डिब्रूगढ़ से जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ मुन्ना गढ़वाल।